बहादुरपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचली बस्तियों में घुसा नदियों का पानी, पुल पर 20 फीट ऊपर बह रही मौला एवं कैथन नदियां, नेशनल हाईवे 346 ए पर 24 घंटे से आवागमन बंद, पुलिस की टीम ने खाली कराई निचली बस्तियां। आपको बता दें कि 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने बहादुरपुर समेत आसपास के इलाकों में जमकर कहर बरपाया है। कस्बे की दोनों प्रमुख नदियां मौला एवं कैथन पुल पर करीब 20 फीट ऊपर बह रही है। गुरुवार को नदियों का पानी भरने के साथ बहादुरपुर में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। निचले इलाकों में नदियों का पानी भरने के कारण कई मकान एवं दुकानें जलमग्न हो गई। गुरुवार को सुबह मौला नदी के पुल पर पानी आ जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 346 पर आवागमन बंद हो गया। इसी बीच पुल पर करीब 2 फीट पानी होने के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते रहे। दोपहर बाद से नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता रहा, जो कि शाम होते होते खतरे के निशान पर पहुंच गया। बहादुरपुर के निचले बाजार में कैथन नदी का पानी भर जाने के कारण लगभग आधा दर्जन मकान और दुकानें जलमग्न हो गई। इसी बीच बाढ़ग्रस्त परिवार अपना जरूरी सामान समेट कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। रात होने तक नदियों का जल स्तर धीरे धीरे खतरे के निशान के ऊपर जाने लगा, जिससे बहादुरपुर में पूरी तरह से बाढ़ के हालात बन गए। थाना प्रभारी फेमिदा खान ने बताया कि पुलिस की टीम निचले इलाकों को खाली कराने में जुट गई है। बाढ़ के हालातों को देखते हुए NDRF की सहायता ली जा रही है। आपको बता दें कि मौला एवं कैथन नदियों के उफान पर आने के कारण नेशनल हाईवे 346 ए पर आवागमन 18 घंटे से बंद है। मुंगावली से जिला मुख्यालय और भोपाल विदिशा जाने वाला मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध होने के कारण यात्री पूरा दिन परेशान होते रहे। रक्षाबंधन के लिए अपने गंतव्य की ओर निकले यात्रियों को बहादुरपुर में ही रुकना पड़ा। राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। यात्रियों ने खुले आसमान के नीचे ही अपनी रात गुजारी। बहादुरपुर से संजय जैन की रिपोर्ट।